सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट जॉब्स एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स एकेडमी। मेरा नाम है दिनेश और फिर से एक बार दोबारा स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आपका होता है ना, किताब के पहले पेज पर लिखा होगा प्रीएम्बल, या फिर लिखा होगा प्रस्तावना, या फिर लिखा होगा इंट्रोडक्शन, या फिर होगा परिचय। और हालांकि एसएससी एक बार ये क्वेश्चन पूछ चुकी है कि प्रीएम्बल का सिनोनिम क्या होगा, समानार्थक क्या होगा, तो क्या होगा? परिचय। क्या होगा? प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। ठीक है, ये हो गया। तो सबसे पहले संविधान का निर्माण पढ़ना है, फिर संविधान के स्रोत पढ़ने हैं, अनुसूचियाँ, फिर प्रस्तावना, और उसके बाद जो हम पढ़ेंगे, अब हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, यहाँ से इसके बाद हमारा पहला भाग शुरू होगा, अब हमारे विधान शुरू होंगे। तो पहले भाग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है बताइए? तो सबसे ज़्यादा, सबसे ऊपर होता है देश। देश ही सर्वोपरि होता है, चाहे कोई कितना भी ऊपर हो, देश से ऊपर कोई भी नहीं है। तो पहले भाग में हमें देश पढ़ना है कि हमारे देश का नाम क्या है। तो बताइए देश का नाम क्या है? बहुत लोग जानते होंगे इंडिया है या नहीं है, तो बोलते हैं हाँ सर इंडिया है, बहुत बोलते हैं भारत, लेकिन मैं बोलता हूँ ना तो भारत, हमारे देश का नाम इंडिया है ना भारत है। कुछ बोलते हैं हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान तो है ही नहीं, बोला गया है हिंदुस्तान, हिंदुस्तान नहीं है हमारे देश का नाम। आर्यव्रत, आर्यव्रत पुराना नाम कहा जाता था, लेकिन हमारे देश का नाम जब संविधान सभा संविधान बना रही थी तो यही चर्चा हुई कि इसका नाम इंडिया रखें अपने देश का नाम या भारत रखें। तो कुछ लोगों ने बोला क्योंकि हमने 16 मई 1949 को हमने कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप इंडिया के नाम से ली थी, तो बोला कि इंडिया होना चाहिए, लेकिन आधे लोग इसके विरोध में आ गए कि परंपरा के हिसाब से राजा भरत के ऊपर भारत होना चाहिए। तो उसके बाद गतिरोध चलता रहा और एक महीने में फाइनल हुआ कि एक काम करते हैं, इंडिया और भारत को मिला देते हैं, तो हमारे देश का नाम हो गया इंडिया, दैट इज भारत। क्या है? इंडिया जो कि भारत। सच में यही नाम है हमारे देश का, इंडिया जो कि भारत। ये कॉन्स्टिट्यूशनल नेम है, संवैधानिक नाम है, यही हमारा नाम, हम शॉर्ट में इंडिया और भारत लिखते हैं, लेकिन असल में क्या है? इंडिया दैट इज भारत। तो इसमें यही पढ़ना है भारत कैसा है, भारत का नाम क्या है, भारत का स्ट्रक्चर क्या है, संघ है, समूह है, कैसे भारत में से कोई राज्य जोड़े जाते हैं, या बाहर से हमने ऑस्ट्रेलिया को मिलाएं, या नेपाल को एक्वायर कर लें, या पाकिस्तान को जीत कर हम पाकिस्तान को अपने भारत में मिला लें, तो या फिर किसी भी स्टेट को कैसे मिलाएंगे, या फिर कैसे किसी भी स्टेट, राजस्थान में से मान लो चार राज्य करने, मायावती सरकार ने बोला कि उत्तर प्रदेश में से चार राज्य बनने चाहिए, है या नहीं? मायावती सरकार ने बोला उत्तर प्रदेश में से चार राज्य बनने चाहिए, लेकिन अब मायावती सरकार ने बोल तो दिया उत्तर प्रदेश चार राज्य बनने चाहिए, लेकिन अब बनेंगे कैसे? या किसी राज्य का नाम चेंज करना हो, कब कब हुआ है, कैसे कैसे हुआ है, कि 14 राज्य थे आज 29 कैसे हो गए, कैसे कैसे, ये सारी चीज़ें इसमें इतिहास पढ़ना है, और किस कैसे कैसे विधान बनते हैं, कौन बनाता है, ये पावर किसके पास होती है, ये पढ़ना है। तो इसके बाद जो टॉपिक है वो है हमारा क्या? संघ और इसके क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है संघ और इसके क्षेत्र, यानी देश और देश के क्षेत्र। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद जो पढ़ना है, यानी संविधान बन गया, हो गया, उसके बाद संविधान में कहाँ कहाँ से क्या क्या लिया, ये हो गया, फिर अनुसूचियाँ हो गई, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन हो गया, और हमने देश और देश के क्षेत्र कैसे कैसे बनते हैं, कोई राज्य बनता है, कैसे राज्य टूटता है, राज्य का नाम चेंज होता है, कैसे कैसे, ये पढ़ लिया। तो अब देश पढ़ लिया, तो देश के बाद क्या पढ़ेंगे? देश में रहने वाले नागरिक, यानी नागरिकता। तो इसके बाद जो टॉपिक है वो है सिटीजनशिप, सिटीजनशिप यानी नागरिकता। अब आप पूछोगे सर नागरिकता क्या? तो नागरिकता, जैसे मेरे पास किसकी नागरिकता है? इंडिया की है या नहीं है? आपके पास किसके पर नागरिकता है? कोई बोलता है भारत की, नहीं, हमारे पास इंडिया दैट इज़ भारत, यानी इंडिया जो कि भारत की नागरिकता है, हम भारत के नागरिक हैं। ठीक है, ये है। एक लड़के से मैंने एक बार पूछा था, हाँ भाई कहाँ का नागरिक है, तो उसे बोल रहा है सर राजस्थान का नागरिक हूँ। अरे राजस्थान के निवासी हो यार तुम, मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ, कोई कर्नाटका का है, लेकिन हम नागरिक कहाँ के हैं? भारत के। तो हमारे यहाँ कैसी नागरिकता? एक। लेकिन यहीं अगर अमेरिका चले जाओगे तो वहाँ दोहरी नागरिकता मिलेगी, एक अमेरिका की सेंटर की और एक स्टेट की, वहाँ दो नागरिकता होती है, हमारे यहाँ एक नागरिक है, चाहे मैं कहीं का रहूँ मैं भारत का नागरिक हूँ, है या नहीं है? तो इसी में हमें ये पढ़ना, नागरिकता मिलती कैसे है, कैसे नागरिकता मिलती है, कैसे समाप्त होती है, मदर टेरेसा को भारत की नागरिकता कैसे मिली, सोनिया गांधी को नागरिकता कैसे मिली,
है या नहीं है। उसके बाद आपने नाम सुना होगा राहत फतेह अली खान, ये सब, ये बहुत सारे नागरिकता के लिए क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। मैं भारत का नागरिक कैसे हूँ? अगर आपको नागरिकता छोड़नी है तो कैसे छोड़नी होगी? अगर युद्ध की स्थिति में आपने भारत की नागरिकता का त्याग करने की कोशिश की तो उस वक्त आप नहीं त्याग कर पाओगे, लेकिन युद्ध खत्म हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, आपकी और आपके नाबालिग बच्चों की भी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी, लेकिन नाबालिग को बाद में मिल जाती, आपको नहीं मिलेगी क्योंकि आपने युद्ध के समय नागरिकता का त्याग करने की कोशिश की है। है या नहीं है? तो इसमें पढ़ना है हमें नागरिकता। हम आपको ये भी बता देंगे कि अगर प्लेन आ रहा है और बॉर्डर पे आपके बच्चे का जन्म हो गया इंडिया पाकिस्तान के, तो उसमें बाहर नागरिकता किस देश की मिलेगी, तो इसमें पढ़ना है हमें नागरिकता। तो ये पढ़ गया संविधान, संविधान के स्रोत, अनुसूचियाँ, प्रस्तावना, देश, देश के क्षेत्र कैसे डिवाइड होंगे, फिर नागरिकता। अब उन नागरिकों के हमें क्या पढ़ने, अधिकार। तो क्या होगा, मौलिक अधिकार। तो कौन सा है सबसे, सेवंथ है फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। सुना होगा आपने मौलिक अधिकार क्या होते हैं, यानी मैं जो भी कर रहा हूँ, आज आप खाना खा रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, सांस ले रहे हो, हंस रहे हो, हंसने से लेकर रोने तक का भी ये क्या है, अधिकार है। ये किसी मोदी ने या योगी ने नहीं दिया है, या किसी वसुंधरा ने या फिर अखिलेश यादव ने दिया, ये भारत के संविधान ने हमें अधिकार दिया है और इससे ऊपर कोई भी नहीं है। तो हमें इसमें अधिकार पढ़ने, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो हमारा मौलिक अधिकार है अभी तक। क्यों? क्योंकि यार जब हमें अपने अधिकार ही नहीं पता होगा तो पुलिस वाले दो थप्पड़ मारेंगे ले जाएंगे, है या नहीं? लेकिन अधिकार होगा तो आप बता दोगे ना, अनुच्छेद भारत का अनुच्छेद 21 मुझे ये अधिकार देता है, भारत का अनुच्छेद 19 मुझे ये अधिकार देता है या नहीं है? तो इसमें क्या पढ़ना है, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो मेरा जो सब्जेक्ट है वो UPSC का अलग है, लेकिन मैं पढ़ाता पॉलिटी हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे क्या है, मुझे मेन चीज़ है मौलिक अधिकार बताने होते हैं कि नागरिकों के अधिकार क्या क्या हैं, अभी कैसे होते हैं, कितने थे, कितने हैं, कौन कौन से जुड़े, बहुत सारे राइट्स पढ़ोगे आप, ठीक है। तो ये हो गया आपका फंडामेंटल राइट्स। तो अब ये हो गया भाई आपका एक पार्ट, पॉलिटी को हमने यहाँ से एक पार्ट में डिवाइड किया और इस पार्ट में अभी दो टॉपिक और रह गए। तो सबसे पहले संविधान का निर्माण, स्रोत, ये हो गया प्रीएम्बल, संघ और इसके क्षेत्र, नागरिकता और मौलिक अधिकार। उसके बाद जब हमें इतना अधिकार दे रखे हैं, इतना सब कुछ घूमना फिरना, कभी किसी कोई रोकता है आपको नहीं, इतने सारे राइट दे रखे हैं, तो भारत के नागरिकों के कुछ देश के प्रति कर्तव्य भी तो होते हैं। तो जो कर्तव्य होते हैं उनको क्या बोलते हैं, मौलिक कर्तव्य, तो फंडामेंटल ड्यूटीज। तो इस नेक्स्ट टॉपिक है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। मैं ये सिलेबस इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं होता हमें पॉलिटी में पढ़ना क्या है, कुछ भी पढ़ा के कोई भी चला जाता है और बस उसके खुश हो जाते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य, ठीक है। ये हो गया मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, अब ये हो गया मौलिक कर्तव्य, नेक्स्ट टॉपिक है आपका राज्य के डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यानी यहाँ क्या है, यहाँ अधिकार हो गए हमारे, उसके बाद हमारे कर्तव्य दे दिए, फिर उसके बाद राज्यों को बोला गया है, राज्यों को संविधान निर्देश दिए, डायरेक्टिव्स दिए कि तुम लोगों के लिए अच्छी अच्छी पॉलिसीज बनाओ, वो पढ़ाएंगे यहाँ से। ये हमने आयरलैंड से लिया है। तो ये हमारा पॉलिटी का हो गया पार्ट फर्स्ट, भाग एक, जिसमें हमें क्या पढ़ना है, देश के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। उसके बाद पॉलिटी का सेकेंड पार्ट का सिलेबस डिस्क्राइब करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, यार 9 हो गए, तो 10वां टॉपिक है आपका, लिखो लेजिस्लेटिव ऑफ यूनियन। तो आपको संविधान का निर्माण पता पड़ गया, संविधान कहाँ कहाँ से लिया है ये पता पड़ गया, उसके बाद संविधान में अनुसूचियाँ पता पड़ गई, प्रस्तावना पता पड़ गया, देश का नाम पता पड़ गया, नागरिकता पता पड़ गया, और नागरिकता के बाद आपका फंडामेंटल राइट पता पड़ गया, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निदेशक तत्व आपका क्लियर हो गया। तो एक पार्ट पॉलिटी का आपका ये आता है। उसके बाद जब दूसरा पार्ट आता है पॉलिटी का, तो उसमें सबसे पहला पार्ट आता है क्या, विधायिका। नाम बहुत सुना होगा आपने, लेजिस्लेटिव विधायिका, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, जुडिशरी न्यायपालिका। तो इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्या, तो 9 हो गए थे, ये 10वां है, लेजिस्लेटिव ऑफ यूनियन, ऑफ यूनियन यानी संघ की विधायिका, संघ की विधायिका हो गया। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, संघ की विधायिका, यानी इसमें विधायिका का काम क्या होता है, कई बार सुना है ना लेजिस्लेटिव विधायिका, तो विधायिका का काम होता है कानून बनाना, और किसके लिए कानून बना रहे हैं, यहाँ संघ के लिए,
संघ मतलब देश के लिए, तो इसमें हमें क्या पढ़ना है भाई, पढ़ना क्या है इसमें, पार्लियामेंट, याद रखना संसद। कभी भी संघ की विधायिका का देखो न्यूज़पेपर द हिंदू, हिंदू पढ़ोगे, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ोगे, तो कई बार वो पार्लियामेंट ना लिख के क्या लिख देते हैं, लेजिस्लेटिव ऑफ यूनियन, या इंडियन लेजिस्लेशन को ये दिया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्देश। तो याद रखना इसके बाद है संघ की विधायिका, यानी हमें संसद पढ़ना है कि देश के लिए कानून कैसे बनते हैं। संसद में लोकसभा, राज्यसभा, लोअर हाउस, अपर हाउस, टेम्प्रेरी हाउस, परमानेंट हाउस, हाउस ऑफ पीपल, काउंसिल ऑफ स्टेट, ये सब पढ़ना है हमें संसद में। तो संघ की विधायिका पढ़ना है जिसमें हमें क्या पढ़ना है, संसद, ठीक है। अब क्या क्या होता है वो सारी चीज़ें आपको एक बार पढ़ लोगे आप संसद, तो उसके बाद जीवन में नहीं भूलोगे। आपको यहीं डायग्राम से आपको सारा क्लियर कर दिया जाएगा कि संसद असल में क्या है। लोगों को कभी पता ही नहीं होता, बच्चे बहुत पूछते हैं सर इसको बनने के लिए मिनिमम एज क्या चाहिए, उसको बनने के लिए क्या चाहिए, इसकी रिटायरमेंट की एज क्या है, उसकी क्या है, उसकी सैलरी कितनी है। एक ही बार डायग्राम में आप क्लियर कर दोगे संसद असल में क्या है, है या नहीं है। तो देश के लिए कानून कौन बनाता है, संघ की विधायिका यानी संसद। तो ये डिस्क्राइब करेंगे बाद में। तो ये हो गया एक संसद हो गया, अब इन्होंने कानून बना दिए, अब विधायिका ने देश के लिए कानून बना दिए 125 करोड़ लोगों के लिए, तो उन कानून को लागू भी तो करेगा, तो लागू करने को क्या कहेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन यानी संघ की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका। तो पहला टॉपिक क्या था, देश के लिए कानून बनाना और लागू कौन करेगा, कार्यपालिका। तो देश, यूनियन किसको बोला गया, देश को, देश का कानून बनाना यानी देश के लिए कानून बनाना, और कौन बनाएगा, संसद। तो इसमें संसद पढ़ना है, और कार्यपालिका में कौन, जो उसको लागू करता है। तो भैया इसमें पढ़ना है हमें राष्ट्रपति कार्यपालिका में, क्या क्या पढ़ना है हमें कार्यपालिका में, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट प्लस पीएम, सॉरी वाइस प्रेसिडेंट पढ़ लेंगे इससे पहले, वाइस प्रेसिडेंट प्लस पीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। ये हम बताएंगे अटॉर्नी जनरल कौन होता है, क्या होता है, कैसे कैसे होता है, ये सारे ये अलग अलग टॉपिक पढ़ाए जाएंगे। ये देश में कानून जो बन जाते हैं उनको लागू करने के लिए कार्यपालिका काम करती है, और इसमें आते हैं ये सारे चीज, ठीक है। ये हो गया, तो ये हो गया कानून बनाना देश के लिए, कानून को लागू करना। लेकिन अब देश के अलावा हमारे देश में स्टेट भी तो हैं, है या नहीं है स्टेट, उनके लिए कानून कौन बनाएगा, तो उसको बोलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है आपका 12वां, संघ की, सॉरी लेजिस्लेटिव ऑफ स्टेट, लेजिस्लेटिव स्टेट यानी राज्य की विधायिका, राज्य की विधायिका। इसमें क्या पढ़ना है राज्य की विधायिका में, कि स्टेट के लिए कानून कैसे कैसे बनते हैं, राज्य के लिए कानून कैसे कैसे बनाता है, कौन बनाता है। तो यहाँ देश के लिए कानून कौन बनाता है, संसद। तो राज्य के लिए कौन बनाएगा, राज्य विधान मंडल, स्टेट लेजिस्लेशन। तो हमें क्या पढ़ना है इसमें, राज्य विधान मंडल, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेशन। ये सब पढ़ाएंगे, अलग अलग टॉपिक हैं ये सारे के सारे, स्टेट लेजिस्लेशन, राज्य विधान मंडल, राज्य विधान मंडल हो गया, राज्य विधान मंडल। यहाँ संसद पढ़नी थी इस टॉपिक में, इसमें करना राज्य विधान मंडल। वहाँ लोकसभा होती है, यहाँ विधानसभा होती है, वहाँ राज्यसभा होती है, यहाँ विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इसमें असेंबली और काउंसिल दोनों ही पढ़ने, ठीक है। ये हो गया, ऐसे बिल्कुल आप संसद पढ़ लोगे तो ये आपको एक ही बार में क्लियर हो जाएगा, वो भी डायग्राम से, पूरे बोर्ड पर डायग्राम बनेगा, आपको कभी कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी कोई भी किताब, और आप पढ़ाओगे नहीं, पढ़ाओगे फिर। तो ये यहाँ पर क्या पढ़ना है, विधान मंडल, ठीक है। ये हो गया, नेक्स्ट टॉपिक है, अब जो स्टेट वालों, स्टेट ने कानून बना दिए तो स्टेट में लागू भी तो कौन करेगा, करेगा या नहीं करेगा, तो उसके लिए होता है एग्जीक्यूटिव ऑफ स्टेट, एग्जीक्यूटिव ऑफ स्टेट यानी राज्य की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका हो गया, राज्य की कार्यपालिका। इसमें क्या पढ़ना है, इसमें पढ़ना है राज्य की कार्यपालिका, यानी जैसे यहाँ प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति पढ़ना था, यहाँ राज्यपाल, यहाँ प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, यहाँ अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी, यहाँ एडवोकेट जनरल। तो ये टॉपिक हो गया, ये हो गया आपका सेकेंड, सिलेबस का सेकेंड पार्ट,
सेकंड पार्ट, पहले पार्ट में देश, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य ये सब पढ़ने थे, दूसरे में संसद, स्टेट, पूरा स्ट्रक्चर पढ़ना है देश का। तो यहीं समाप्त करते हैं भाई आपका सिलेबस, बाकी थोड़ा सा सिलेबस रह गया है वो मैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर आपको अच्छा लगा सिलेबस बताने का तरीका और सिलेबस को कैसे कैसे डिस्क्राइब किया जाता है, तो क्या करना है आपको, यूट्यूब पर सबसे पहले आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि मैं और मोटिवेट हूँ और आगे भी आपके लिए वीडियोस भेजता रहूँ, और शेयर करते रहें, फेसबुक पेज को लाइक करते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।